अब गाइस बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट प्लेयर की, वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है टी हसन। तो गाइस टी हसन एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, मुझे पता नहीं क्यों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन से बहुत डर लगता है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इंडिया के खिलाफ काफी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, नो डाउट। अभी तक ये बंदा फेल है, अभी तक इस बंदे ने ज्यादा रन नहीं मारे हैं। बट गाइज इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि एक नए प्लेयर को उड़ान देती है, उनके वो नए नए प्लेयर्स को सेंचुरी मरवा देती है, 50 मरवा देती है, और वो बंदा फिर काफी अच्छा प्रोग्रेस कर जाता है अपने करियर में। नाम के लिए डीकॉक ने इंडिया के खिलाफ डेब्यू पे सेंचुरी मारी थी, उसके बाद स्टीवन स्मिथ, माइकल क्लार्क टेस्ट मैच में, उसके बाद ऐसे बंदे है ना गाइज जो कि सईद अनवर अगर आपको याद हो कितना तंग करता था, जयसूर्या कितना तंग करता था इंडिया को, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, गैरी कस्टन, कितने नाम है मैं क्या बताऊं, गिलक्रिस्ट, एडम गिलक्रिस्ट, जस्टिन लैंगर, ये सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ना इंडिया को बहुत तंग करते थे, क्योंकि इंडिया के पास तब जसप्रीत बुमराह नहीं था। बट अब जसप्रीत बुमराह है, यशपाल सिंह कुशवाहा, जसप्रीत बुमराह निकाल सकता है। बट फिर भी गाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, देखो मेरी तीन टीमों में गाइज मैंने इसको डाला है, अगर आप देखो इन माई टीम्स 16, 17, 20 मैंने सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर की तरह डाला है। अगर आप चाहो तो एक टीम में, कोई भी एक टीम में ट्राई कर लेना गाइज। मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे कि यार हम ट्राई करेंगे तो इतनी सारी टीम बन जाएंगी गाइज। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी है तो कुछ ना कुछ अलग टीम्स बनानी पड़ती है, एक टीम से तो काम होता नहीं है। तो गाइज किसी एक टीमों में आप इसे ट्राई कर सकते हो।